हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। तो ये है न्यू टोयोटा फॉर्च्यूनर BS6 फेस 2 कंप्लायंट और ये है बेसिकली फॉर्च्यूनर का बेस मॉडल। और अगर आप जैसे जीप कंपस लेने का प्लान करें या फिर सिट्रोइन C5 एयरक्रॉस लेने का प्लान करें, उससे बेटर है कि आप ये वाली गाड़ी ले लें, बिकॉज उसका रुतबा ही अलग है एंड देन ब्लैक कलर वाइट कलर दोनों ही इस गाड़ी में काफ़ी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो आपको ओवरऑल स्पेस मिल जाती है, जो कम्फर्ट मिल जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है फॉर्च्यूनर के बारे में। तो हम शेयर करने वाले इस बेस मॉडल का एक बहुत ही क्विक सा वॉक अराउंड। सबसे पहले गाइस, कुछ ऐसे आपको यहाँ पे कीज मिल जाती है और इसी के साथ ये है फ्रंट लुक। काफ़ी सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल है। बेस्ट सेलिंग कलर जो है वो है वाइट कलर एंड देन सेकेंड नंबर पर है ब्लैक कलर। राइट ऑफ फ्रंट आपको बहुत ही बिग साइज़ के यहाँ पे ग्रिल मिल जाएगी टोयोटा के लोगों के साथ। और यहाँ पे कुछ ऐसे आपको हेडलैम्प मिलते हैं, प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प दिए गए हैं। हाई बीम लो बीम आपको दोनों ही प्रोजेक्टर में मिलती है। साथ में जो डे टाइम रनिंग लाइट्स है वो यहाँ पे दी गई है। तो ये डे टाइम रनिंग लाइट्स है जो कि वर्क करती है जब आप गाड़ी को ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देन ऑटोमेटिक हेडलैम्प फंक्शन, फॉलो मी एंड लीड मी टू द व्हीकल फंक्शन सारी अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे LED आपको फॉग लैम्प मिल जाते हैं और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स अवेलेबल है जो कि डुअल फंक्शन है। तो पोजिशनिंग लैम्प भी आपको मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे सेंसर्स आप देख सकते हैं, फ्रंट में सेंसर्स दिए गए हैं। जो इस गाड़ी का अप्रोच एंगल है, जो डिपार्चर एंगल है, ब्रेक ओवर एंगल है, बहुत ही कमाल का दिया गया। और सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं, 7 एयरबैग्स, हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, सारी सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और अब बात करते हैं इंजन ऑप्शन के बारे में, क्या क्या यहाँ पे आपको इंजन ऑप्शन मिल जाएंगे। तो 2 इंजन अवेलेबल है, पेट्रोल भी आपको मिल जाता है एंड डीजल इंजन भी आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले बोनेट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आपको 2.7 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा विद मैनुअल गियरबॉक्स और साथ में ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी मिल जाता है जो कि है टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स। सेकेंड इंजन है 2.8 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन विद मैनुअल गियरबॉक्स एंड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स अगेन टॉर्क कन्वर्टर। तो ये है इंजन, काफ़ी अच्छा साउंड एंडिंग मटेरियल यहाँ पे यूज़ करा गया है। और आप अंडरबॉडी देखेंगे तो यहाँ पे अंडरबॉडी इंजन गार्ड और अंडरबॉडी काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन अवेलेबल है फॉर कम्प्लीट ऑफ रोड यूज़। और इसके अलावा जो डायमेंशंस भी हैं वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे टॉप क्लास मिलती है और जो कंपैरिजन है विद द राइवल कार्स वो देख सकते हैं स्क्रीन पर। और यहाँ पे 225 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस मिलती है, 80 लीटर का यहाँ पे फ्यूल टैंक दिया गया है। साथ में यहाँ पे देख सकते हैं व्हील आर्चेस स्लाइडिंग अवेलेबल है। साइड में आपको यहाँ पे साइड स्टेप मिल जाता है, बिना साइड स्टेप के अगर आपकी हाइट कम है थोड़ी सी, जैसे मेरी हल्की सी कम है, तो आप अंदर एंटर नहीं कर सकते। अगर आपकी हाइट 5'11" भी है तो भी साइड स्टेप आपको कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ेगा। इतनी बढ़िया कमांडिंग पोजीशन मिलती है फॉर्च्यूनर में। साथ में कुछ ऐसे आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे जो कि आप बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं। तो ये है 265/65 सेक्शन टायर, 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स अवेलेबल हैं और ये कंप्लीट ऑफ रोड टायर्स हैं जो कि यहाँ पे मिल जाते हैं। इसी के साथ क्रोम डोर हैंडल और यहाँ पे मिरर के नीचे पड लैम्प मिलेगा। देन रूफ रेल्स अवेलेबल हैं और विंडो के पास आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट जो इसका 270 डिग्रीज है वो आपको कंप्लीट मिलता है क्रोम सराउंडेड। और जो ग्लासेस भी है वो हीट इंसुलेटिंग या हीट रिजेक्टिंग ग्लासेस दिए गए हैं, तो अंदर हीट एंटर नहीं करते। और ये है फॉर्च्यूनर की रियर लुक। और ब्लैक कलर आपको पसंद है या वाइट आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, दोनों ही काफ़ी अच्छे लगते हैं। और जो इसका स्पेयर टायर है दोस्तों, वो नीचे की साइड यहाँ पे मिलेगा। तो स्पेयर टायर अंडरबॉडी दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसा आपको स्पॉइलर मिल जाता है बहुत ही बिग साइज़ का। ऊपर की तरफ आप देखेंगे शार्क फिन एंटेना, रियर में वाइपर डिफॉगर, कुछ ऐसे टेल लैम्प मिलेंगे। ये है टर्न इंडिकेटर्स, काफ़ी बोल्ड यहाँ पे LED दी गई है। फॉर्च्यूनर की बैजिंग, लाइसेंस प्लेट की लाइट हैलोजन में। और यहाँ पे हैंड फ्री जो टेल गेट होता है, यानी कि मैं ऐसे स्वाइप करूँगा तो ओपन होगा, वो फंक्शन इसमें अवेलेबल नहीं है, वो आपको लेजेंडर में मिल जाता है, GRS में मिल जाता है। और ये है टोटल बूट स्पेस। तो यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट अवेलेबल है इस साइड। और यहाँ पे आपको कुछ टूल किट मिल जाती है, यहाँ पे हुक, और उधर भी आपको एक हुक मिलेगा। और आप चाहें तो सीट्स को फोल्ड डाउन करके ऐसे ऊपर कर सकते हैं, दोनों सीट्स ऐसे फोल्ड हो जाती है। आगे वाली भी जो है वो कंप्लीट टम्बल डाउन हो जाएगी, इसको प्रेस करेंगे और ये बंद हो जाएगा। एंटी पिंच फंक्शन अवेलेबल है इसकी, आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, आप किसी भी कार की सर्विस कॉस्ट चेक करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर हर एक कार की एग्जैक्ट जो सर्विस कॉस्ट होती है, वो भी 10 साल तक की, कौन कौन से पार्ट जो है वो हर साल चेंज होंगे, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाती है। तो आप जाके ज़रूर विजिट करें, कोई भी गाड़ी लेने से पहले आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। अब चलते हैं दोस्तों इंटीरियर्स में, देखते हैं वहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है इस कार में। साथ में ये है रियर फॉग लैम्प।
दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कार परफ्यूम दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही चिल्ड कॉकटेल लाइक एम्बियंस कार में क्रिएट करती है। तो ये है इन्वॉल्व की मोजिटो लेमन परफ्यूम। जैसे आप कार में एंटर करेंगे आपको एक ब्लास्ट ऑफ परफ्यूम मिलेगा। सो इसकी जो फ्रेगनेंस है बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही कूल फ्रेगनेंस है। आपको ऐसा लगता है आप बीच में आराम से बैठे हैं विद कोल्ड ड्रिंक इन योर हैंड, तो ऐसी इसकी फ्रेगनेंस आती है, एकदम से आप रिफ्रेश हो जाते हैं। स्पिल प्रूफ परफ्यूम दी गई है, मेड इन इंडिया, यहाँ से आप फ्लू एडजस्ट कर सकते हैं आराम से। ये 30 दिन से लेकर 45 डेज चल जाती है। तो जब भी आप कार में एंटर करेंगे एकदम आप कूल और रिफ्रेश फील करेंगे इस परफ्यूम के साथ। तो अभी कभी दोस्तों विजिट करें involveyoursenses.com पे, वहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस परफ्यूम पे अगर आप यूज़ करेंगे टीम गाड़ी लाइट का कूपन कोड। तो आप चेक करते हैं इंटीरियर्स एंड दोस्तों कुछ ऐसी आपको कीज़ मिलेगी लॉक एंड लॉक एंड टेलगेट स्विच के साथ, काफ़ी प्रीमियम कीज़ दी गई है। एंड जैसे आप अनलॉक करेंगे लैम्प, कार को लॉक एंड लॉक करना है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया दोनों ही फ्रंट डोर्स पर, और कार को ऑन कर लेते हैं तो ये है वेलकम फंक्शन, और ये है डैशबोर्ड के लिए। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑल ब्लैक इंटीरियर, इसके अलावा आपको एक और कलर ऑप्शन भी मिलता है, तो दो कलर्स में से आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग वाइट स्टिचिंग यूज़ करी गई है यहाँ पे उधर पूरी अपॉल्स्ट्री पे, तो ये है ब्लैक कलर की लेदर सीट अपॉल्स्ट्री। साथ में दोनों ही जो फ्रंट सीट्स है वो दोस्तों 8 फे यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। यहाँ पे टोयोटा की डोर सिल प्लेट, क्लच फुट रेस्ट, और ये मैनुअल वाला है तो इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट फीचर मिलते हैं। इसी के साथ यहाँ से हम बोनट ओपन कर सकते हैं, यहाँ से फ्यूल लिड, और इसके अलावा यहाँ पे डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड के लिए बटन दिया गया है टू क्लियर द कार्बन। यहाँ से हम टेल गेट ओपन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली लॉन्ग होल्ड करके, और यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड ये मिल जाता है कप होल्डर, उधर नहीं दिया गया इस मॉडल में, GRS में अवेलेबल है उधर भी। तो यहाँ पे आप जैसे अपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख सकते हैं, वेंट को आप नीचे कर देंगे तो कोल्ड ड्रिंक या फिर जो भी आपकी बेवरेज होगी ठंडी हो जाएगी या गर्म हो जाएगी, जो भी आपका एसी का टेम्परेचर रहेगा। आपको इसको यूज़ नहीं करना तो ऐसे आप पीछे कर सकते हैं, और गाड़ी की चाबी वगैरह जो सामान रखना चाहें वो रख सकते हैं। यहाँ पे ट्विटर्स अवेलेबल हैं, स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, फ्रंट डोर की लुक, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट, यहाँ पे लाइट दी गई है, सारे कंट्रोल्स इल्यूमिनेटेड, ऑल फोर पावर विंडोज़ ऑटो अप डाउन मिलेगी, यहाँ पे कंप्लीट लेदर फिनिश। चलते हैं गाड़ी के अंदर, इसको बंद कर देते हैं। तो ये है स्टीयरिंग व्हील की लुक, तो कुछ ऐसा आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो कि हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया फिट एंड फिनिश क्वालिटी है, ग्रिप काफ़ी अच्छी है, पता चलता है कि आप एक बहुत ही बड़ी हैवी ड्यूटी कार चला रहे हैं। यहाँ पे आपको ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल, वॉइस कमांड कंट्रोल, इस साइड यहाँ पे कुछ MID के कंट्रोल्स मिलेंगे, और यहाँ पे दिए गए हैं क्रूज कंट्रोल्स, साथ में एडजस्टमेंट तो है ही, यहाँ पे आपको टिल्ट एडजस्टमेंट और टेलीस्कोपिक दोनों ही मिल जाती है। और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ये शो करता है, जैसे कि कोई म्यूज़िक प्ले हो रहा होगा, सॉन्ग प्ले हो रहा होगा तो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, साथ में कोई वार्निंग वगैरह होगी, सीट बेल्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, साथ में हमारे क्या एवरेज स्पीड रही तो वो भी ये शो करता है, जैसे अभी 13 की हमारी एवरेज स्पीड आ रही है, और इको हम ड्राइव करें यानी कि इकोनॉमिकली हम ड्राइव करें तो इको स्कोर मिल जाता है कि कैसा हमारा जो है ड्राइव ओवरऑल रहेगी, उस हिसाब से हमारी माइलेज कितनी आएगी, तो ये सब आपको मिल जाता है। टायर डायरेक्शन डिस्प्ले मिल जाता है, जब आप गाड़ी को पार्क कर रहे हो तो टायर की एग्जैक्ट डायरेक्शन ये बता देता है। फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स का भी जो डिस्प्ले है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे रिवर्स गियर लगाऊं और सेंसर्स को ऑन कर दूं तो आप देख सकते हैं फ्रंट सेंसर्स का आपको डिस्प्ले मिल जाता है, और यहाँ पे कैमरा का भी डिस्प्ले मिलेगा। गाइडलाइन अडैप्टिव नहीं है लेकिन ओवरऑल काफ़ी वाइड डिस्प्ले है, और इसी के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, डिजिटल स्पीड भी ये शो करता है, डुअल ट्रिप मीटर भी मिल जाता है, तो सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हो जाती है। यहाँ पे एक डिजिटल क्लॉक दी गई है, देन ये है 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, और यहाँ पे आपको एक टोयोटा स्मार्ट डिवाइस लिंक मिलता है जिससे आप म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, वेदर वगैरह चेक कर सकते हैं, तो जो आप अपने स्मार्टफोन पर आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे 4 स्पीकर्स अवेलेबल हैं, 2 फ्रंट वेटर्स मिलते हैं, जो JBL के स्पीकर आपको 4x4 में मिलते थे वो रिमूव कर दिए गए हैं, ये तो वैसे ही 4x2 है, तो इधर आपको नॉर्मल स्पीकर ही मिलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे डुअल जोन AC अवेलेबल है, AC की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही कमाल की है, तो अपना आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं डिफरेंट ड्राइवर भी और को ड्राइवर भी। इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया फीचर अवेलेबल है जो है ये वेंटिलेटेड सीट्स का,
थ्री लेवल दी गई है, 1, 2 एंड 3। और इसका जो फ़ैन का फ्लो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब बहुत ही फास्ट फ़ैन फ्लो है। यहाँ पे भी फ़ैन का फ्लो आता है, यहाँ पे भी कंप्लीट फ़ैन का फ्लो आता है, तो गर्मियों में वो भी लेदर सीट के साथ, ये फ़ीचर तो बहुत ही अच्छा है। और ये फ़ीचर GRS में नहीं मिलता, इसमें दिया गया। यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाती है, यहाँ पे वायरलेस चार्जर आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं, एक USB आपको चार्जर मिल जाएगा, USB पोर्ट, जिसके थ्रू आप एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो यूज़ कर सकते हैं। साथ में 12 वोल्ट का सॉकेट, और ये है मैनुअल गियर बॉक्स, जो गियर शिफ्ट है वो आपको ठीक ठाक मिल जाती है यहाँ पे। एंड दोस्तों यहाँ पे मैनुअल गियर बॉक्स है, तो आप देख सकते हैं आगे जो कप होल्डर्स अवेलेबल रहते थे वो यहाँ पे नहीं दिए गए, क्योंकि मैनुअल है तो ये ज़्यादा स्पेस ले लेता है। अगर आप सेम ऑटोमेटिक मॉडल लेते हैं या फिर इवन 4x4 का ऑटोमेटिक मॉडल लेते हैं, तो आपको वहाँ पे गियर बॉक्स ऑटोमेटिक मिल जाता है, साथ में यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर स्पेस भी मिल जाती है। और इसका जो ड्राइव रिव्यू है कैसी चलाने में, उसका वो हम अलग से पोस्ट करेंगे, इफ़ यू वॉन्ट तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ मोड्स अवेलेबल हैं, तो हमें इको मोड मिल जाता है, नॉर्मल मोड और स्पोर्ट मोड, तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं, जो भी आप मोड चूज़ करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, ये है IMT टेक्नोलॉजी है, और यहाँ पे कुछ स्पेस अगेन मिल जाता है आपको। और ये है फ्रंट आर्मरेस्ट, जो कि फिक्स्ड आर्मरेस्ट दी गई है, कुशन आर्मरेस्ट है, और अंदर काफ़ी अच्छा स्टोरेज एरिया। और इसके अलावा यहाँ पे 2 ग्लव बॉक्स अवेलेबल है, नीचे वाला ग्लव बॉक्स आपको मिलता है लॉकेबल, यानी कि लॉक कर सकते हैं इसको। इसके अंदर एल्यूमिनेशन यानी कि लाइट दी गई है हैलोजन में, और ऊपर यहाँ पे लेदर फिनिश मिलती है, इवन लेदर फिनिश यहाँ पे भी दी गई है, तो प्रीमियम तो काफ़ी लगता है कि यहाँ पे नो डाउट। और यहाँ पे ये फॉर्च्यूनर के बटन को आप प्रेस करेंगे तो ओपन हो जाएगा ये ऊपर वाला ग्लव बॉक्स, जिसमें आप अपनी कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पे कूलिंग फंक्शन दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वैनिटी मिरर लाइट के साथ यहाँ पे भी आपको सेम मिलेगा। और इस साइड ऑटो डिमिंग IR VM अवेलेबल है, यहाँ पे आपको एक सनग्लास होल्डर मिल जाता है, 2 फ्रंट में बहुत ही ज़बरदस्त एल्यूमिनेशन के साथ आपको लाइट मिलती है, बहुत ही पावरफुल है ये और काफ़ी अच्छी भी लगती है, थोड़ा बहुत आपको BMW की याद दिलवाएगी। और अब चलते हैं पीछे दोस्तों, कोई भी डोर ओपन होता है हमें यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा, अगर मैं बोनेट ओपन करूँ तो उसका रिमाइंडर नहीं मिलता, लेकिन टेलगेट का, एग्जैक्ट डोर्स का, सबका रिमाइंडर मिल जाएगा। और ये है रियर डोर, एल्यूमिनेटेड पावर विंडो कंट्रोल, स्पीकर मिल जाते हैं, बॉटल होल्डर, लेदर फिनिश, और यहाँ पे आपको एक कर्सी लैम्प भी मिल जाता है, जैसे कि फ्रंट डोर पे दिया गया। और यहाँ पे डोर स्कफ प्लेट, फ्रंट सीट्स के बैक पे यहाँ पे पॉकेट दी गई है दोनों ही साइड, और इवन आपको यहाँ पे 4 kg का मैक्सिमम हुक भी मिल जाता है, तो यहाँ पे आप अपना बैग्स वगैरह रख सकते हैं ग्रॉसरी के। यहाँ पे कुछ स्पेस, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे 2 AC वेंट अवेलेबल है। सेंटर में यहाँ पे हम AC का जो फ्लो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक पे भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे लाइट, जो कि अगेन काफ़ी पावरफुल है, इस साइड आपको मिलता है ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर, और इस साइड भी सेम ही दिया गया। और ये है रियर सीट्स, तो हम इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं, और ये रिक्लाइन हो जाती है, इससे भी थोड़ी सी ज़्यादा रिक्लाइन हो जाएगी। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, सेंटर में एक आर्मरेस्ट 2 कप होल्डर के साथ, और मैं आपको डैशबोर्ड दिखा देता हूँ एक बारी। सो ये है डैशबोर्ड की लुक, एंड बहुत सारे लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट जाके वो भी आप चेक कर ले। और इसको मैं जस्ट ऐसे क्लिक करूँगा तो ये फोल्ड हो जाएगा, ये सीट भी फोल्ड हो जाती है वो वाली भी। और ये है थर्ड रो, तो थर्ड रो का भी आप रिक्लाइन देख सकते हैं, दोनों सीट इतनी रिक्लाइन हो जाती है। साथ में ग्रैब हैंडल अवेलेबल है, रियर में AC वेंट मिल जाता है, एक लाइट भी दी गई है, और यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल, साथ में कुछ बॉटल होल्डर मिल जाते हैं दोनों साइड। तो फॉर्च्यूनर आप मैनुअल लेना पसंद करेंगे या फिर ऑटोमेटिक, यहाँ पे भी फॉर्च्यूनर लिखा हुआ है, ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड फटाफट जाके हमारी वेबसाइट भी ज़रूर विजिट करें, यू विल गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन दोस्तों।